हेलो एंड वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इस रिल में हम आपसे एक एक्सपोर्टर और एक कस्टम ऑफिसर के बीच में हुई बातचीत के थ्रू एक स्टोरी कहेंगे जो कि एक रियल एक्सपीरियंस है। एक बार एक एक्सपोर्टर ने अपने कंसाइनमेंट के वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करवाने के लिए कस्टम ऑफिसर से मिलते हैं और ये बातचीत शुरू होती है। कस्टम ऑफिसर थोड़े सख्त व्यवहार के साथ कहते हैं, गुड मॉर्निंग, शिपमेंट के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। और एक्सपोर्टर जो कि एक्सपीरियंस तो थे लेकिन फिर भी थोड़े नर्वस जरूर थे, ऐसे में नर्वसली डॉक्यूमेंट्स को हाथ में लेकर कहते हैं कि जी हाँ, ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को थोड़ी देर स्टडी करने के बाद कस्टम ऑफिसर्स ने सख्ती से कहा, मुझे पता चला कि डिक्लेयर्ड वैल्यू में डिस्क्रिपेंसीज है, क्या आप इसके बारे में हमें थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? थोड़ा सोचने के बाद एक्सपोर्टर को ये चीज क्लियर हो गई कि डिस्क्रिपेंसी क्यों आई है। ऐसे में एक्सपोर्टर ने कंपोजर बनाए रखते हुए उनसे कहा कि आई एम सॉरी, आई नो दैट, लेकिन ये प्राइसिंग का डिफरेंस है करेंसी कन्वर्जेंस की वजह से। जब हमने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया था तब के एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो गए, इस वजह से आपको ये डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कस्टम्स की चैलेंज को देखते हुए एक्सपोर्टर को तुरंत कदम उठाना पड़ा। उन्होंने अपने फाइनेंशियल टीम से कनेक्ट किया और शिपमेंट के समय सही एक्सचेंज रेट्स के प्रूफ मंगवा लिए एंड विद इन नो टाइम ऑफिसर्स को प्रेजेंट कर दिए। कस्टम ऑफिसर एक्सपोर्टर की इंस्टेंट रिजोल्यूशन को देख के थोड़ा रिलैक्स होकर वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगते हैं। मीनवाइल ऑफिसर ने अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू ये कंफर्म कर लिया कि एक्सपोर्टर ने जो प्रूफ दिए हैं वो सारे एक्यूरेट है और डिस्क्रिपेंसी वहां पे सॉल्व हो गई है। इसके बाद कस्टम ऑफिसर ने कहा, ठीक है, इसको हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वेरीफाई कर लिया है, आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि और इंस्पेक्शन किया जाए और इसके लिए आप तैयार रहे। एक्सपोर्टर थोड़ी राहत के साथ कहते हैं कि समझ गए, धन्यवाद। पहले हर्डल को पार करने के बाद एक्सपोर्टर अब भी सेफ तो नहीं थे, एक थोरो इंस्पेक्शन उनका इंतजार कर रहा था। एक्सपोर्टर इस चीज को थोड़े से टेंशन के साथ देख रहे थे जब ऑफिसर्स शिपमेंट को इंस्पेक्ट कर रहे थे, बॉक्सेस को खोलकर कंटेंट्स को देख रहे थे और उनमें सारी चीजें वेरीफाई कर रहे थे। इसके बाद जब ऑफिसर हर आइटम को एक एक करके देख रहे थे, एक्सपोर्टर की टेंशन थोड़ी बढ़ गई। उन्हें उम्मीद थी कि सब चीज़ें ठीक जाए। ऐसे में उन्होंने देखा कि कस्टम ऑफिसर अप्रूवल देते हुए सर हिलाते हैं, जिससे ये शो होता है कि इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गई है। उसी वक्त कस्टम ऑफिसर आते हैं और ये कहते हैं कि आप बिल्कुल तैयार हैं, अपनी डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व करने की आपकी कोशिश ने हमें बहुत अच्छी तरह से इंप्रेस किया है। एक्सपोर्टर ने राहत भरी सांस के साथ ऑफिसर को कहा, धन्यवाद, और आपके थोरोनेस को हम भी अप्रिशिएट करते हैं। एक्सपोर्टर रिलीफ के साथ अपनी कंसाइनमेंट और शिपमेंट की प्रोसीजर्स को एकॉम्प्लिश करते हैं। इस स्टोरी से बेसिकली हमें चार टेकअवेज लेने हैं। नंबर वन, रेडी टू फेस चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। नंबर टू, अपने एक्सपीरियंस से प्रॉब्लम्स का सामना करना जरूर सीखे। नंबर थ्री, क्विक डिसीजंस एंड एक्शंस लेना बहुत जरूरी है। नंबर फोर, कभी कभी प्रॉब्लम्स बहुत छोटे होते हैं लेकिन हम उनको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और ये हमें कभी नहीं करना है। ये हमारे वन ऑफ द स्टूडेंट के साथ हुई एक रियल एक्सपीरियंस की स्टोरी थी। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव रही होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ड्रामेटाइज्ड टेल्स ऑफ चैलेंजिंग एग्जाम सिनेरियोस।